अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। एक आदेश आया है जिसके तहत कहा गया है कि बीएड में बीएड वालों को प्राथमिक विद्यालय में वैध किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ये था कि केवल और केवल बीटीसी और डीएलएड वाले वैध। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, भविष्य में नौकरी तो नहीं मिलने वाली है, बस इसीलिए आए थे। और हम यहाँ पर आज सांसद जी से मिलने आए क्योंकि 28 जून को एनसीटी ने जो नया संशोधन पारित किया है उसके तहत बीएड वालों को भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी दे दी है। इससे उनको सीधे सीधे बीएड करने से 1 से लेकर 12 तक के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन बीटीसी वालों को सिर्फ प्राइमरी स्तर पर ही रखा गया। अभी 2017 में जब टीईटी हुई थी तब बीएड वालों को उसके फॉर्म भी डालने नहीं दिए गए थे प्राइमरी टीईटी के, और उनको सिर्फ जूनियर टीईटी देने दिया गया था। पर इस बार ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया, और हम सांसद जी से चाहेंगे कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें इस बात को जोर शोर से उठाएं, पूरी जनता और पूरे बीटीसी प्रशिक्षुओं के हित में निर्णय ले, सरकार इस फैसले को वापस ले। डीलर वालों को योजना में शामिल कर दिया गया है जिससे हम लोगों के लिए बेरोजगारी और ये सब बहुत बढ़ रही है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग को भी अगर दे रही है कुछ मौका तो उसमें इनको शामिल ना किया जाए, या तो फिर उनके लिए कोई अलग सा कोर्स किया जाए, या तो फिर हम लोगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग भी उसमें सम्मिलित हो सके। क्या बता रहे थे भैया? अगर बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा कर बीटीसी के इक्वल कर रहे हैं हमको दोहरे मापदंड के तौरीके से, तो हमको भी बीटीसी वालों को भी कोई ऐसा ब्रिज कोर्स करा करके बीएड वालों के इक्वल कर सकते हैं, ताकि हम भी जूनियर में और इंटर कॉलेज में एंटीग्रेड में वैकेंसी में अप्लाई कर सके। उनके लिए तो कई ऑप्शन है, मेरे लिए सिर्फ हम लोग के लिए प्राइमरी भी सिर्फ ऑप्शन है 1 से लेकर 5 तक। बस हर दिन 9 से 5 जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बरसात हो गर्मी हो हर तरह से करते हैं, फिर भी उसके बाद 2 साल करने के बाद आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हम लोगों की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। सांसद जी, जो आज श्रीरामपुर के बीटीसी वाले छात्र आपके पास आए ज्ञापन दिए हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो भी ज्ञापन है वो संबोधित है मानव संसाधन विकास मंत्री को अपना डीओ लेटर लगा के उसको देने का काम करूँगा। अभी सत्र चलने वाला है, मेरी उनसे मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री जी के नाम भी लिखा है, उनको दूंगा और साथ ही उनकी बातों को मैं लोकसभा में भी उधर रखने का कोशिश करूँगा।